लोगों को जो है टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश न की जाए। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कार्यपालिका बन जा रहा है, बंद बुलाया गया है। आप भी इतनी गर्मी के बावजूद सड़कों पर, भारत बंद है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग का आरक्षण है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। बच्चियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार, और उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जा रहा है, ये कैसा घोर स्थिति हुआ है? उसको वापस करो, रद्द करो। मोदी सरकार से ही हम लोग, आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग आया हुआ है उसके विरुद्ध, फैसले के विरुद्ध हम लोग आज सड़क। इस देश में छुआछूत नीच ऊंच ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये जाति के आधार पर थी। नमस्कार, मैं लो और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और कई राजनीतिक दलों के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया है और हमारी मौजूदगी अभी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पे है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ की तस्वीर को दिखाएं किस तरीके से भारत बंद बुलाया गया है। और आज मैं आपको बता दूं कि कई राजनीतिक दल भारत बंद का समर्थन भी कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार भारत बंद किया गया है और इसकी तस्वीर, इसका दृश्य मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज आप लोग भारत बंद बुलाए हैं, क्या कुछ मुख्य कारण है? मुख्य कारण है कि जो SC ST को वर्गीकृत किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं और भारत बंद का पूरा आयोजन पूरे देश भर में किया गया है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप लोग? मांग ये है कि हम लोग का जो वर्गीकरण कर रहा है SC ST भारत सुप्रीम कोर्ट, इसको तुरंत हटाए और जो पूरा पहले का जिस तरह से हम लोग स्वतंत्र आरक्षण जो था उस वो चीज लागू करे। पूरे आरक्षण को नवी अनुसूची में डालना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस पे सवाल जवाब न उठाए, ठीक है? इनका साफ तौर पे कहना है कि आरक्षण को नवी सूची में डालना चाहिए। क्या कहिएगा, आज भारत बंद बुलाया गया है? पूरी तरह से आज भारत बंद है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग का आरक्षण है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवी सूची में उसको जारी किया जाए और हम लोगों को जो है टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश न की जाए। कैसे भारत बंद देखा जा रहा है उसका तस्वीर, उसका दृश्य मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। किस तरीके से आरक्षण को लेकर बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी घमासान मचा हुआ है और भारत बंद की तस्वीर मैं लगातार वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहेंगे चाचा, आज भारत बंद बुलाया गया है, आप भी इतनी गर्मी के बावजूद सड़कों पर हैं? जो संविधान में जो छेड़छाड़ किया गया आरक्षण ST ST OBC वगैरह का, उसके विरोध में हम लोग कोर्ट जो गलत निर्णय दिया है कि इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, इसलिए हम लोग सड़क पर उतर पाए हैं कि आरक्षण को समाप्त नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से आरक्षण को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया है, आप भी सड़कों पे हैं? मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं मैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में लागू कर चुके अम्बेडकर साहब ने उसको छेड़छाड़ ना करें। और दूसरी बात की है कि जो शहर में पूरे हिंदुस्तान में ही जो हमारे मुख्य माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ नारा है? आज हमारे बच्चियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार, और उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जा रहा है, ये कैसा घोर न्याय हो रहा है? ये इसकी निंदा हम जितना भी करें कम है। आरक्षण से छेड़छाड़ करने का कौन प्रयास कर रहा है, क्या लग रहा है? ये हमारे सरकार कर रही, मोदी सरकार बिल्कुल। इनका साफ तौर पे भारत के वर्तमान केंद्र सरकार मोदी सरकार पे निशाना है, साफ तौर पे कहना है कि आरक्षण को लेकर मोदी सरकार आरक्षण पर छेड़छाड़ कर रही है। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, आप भी सड़कों पर हैं जितनी गर्मी के बावजूद? देखिए, मेन बात यह है कि दुनिया का दिमाग सोच अलग हो गया है सबका। आजकल ज़्यादा भूकंप मारे आदमी काम नहीं मिल रहा बढ़िया से, यही सब है। देख सकते हैं किस तरीके से आरक्षण को लेकर यहाँ पर लगातार पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और हमारी मौजूदगी अभी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पे है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि उधर के दृश्य को दिखाएं किस तरीके से सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौराहा पूरा तरीके से जाम कर दिया गया है और इस तस्वीर को भी दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर बस को भी यहाँ पर रोक दिया गया है और भारत बंद का पूरा असर सासाराम में देखने को मिल रहा है। इतनी गर्मी के बावजूद चाचा आप सड़कों पर हैं? हम लोग अपने लड़ाई के लिए, मांग के लिए यहाँ सब लोग जुटे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं? जो ST और ST वाला आप देख रहे हैं जो इन्होंने विधायक जी ने बताया है, उसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे हम लोग। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। वो तस्वीर वो दृश्य मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज पूरा भारत को बंद किया गया है, आज भारत बंद बुलाया गया है और हमारी मौजूदगी में एक बार फिर बता दूं कि अभी रोहतास जिला के अंतर्गत सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पे है और यहाँ का दृश्य मैं लगातार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि तस्वीर को दिखाएं, दृश्य को दिखाएं किस तरीके से भारत बंद का असर यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर पूरा सड़क जाम कर दिया गया है और लगातार यहाँ
यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण में छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके विरोध में ये लोग आज भारत बंद बुलाया है, क्या कहिएगा? आज भारत बंद बुलाया गया है, इनका कुछ नहीं कहना है, शायद इस भारत बंद में नहीं होंगे, और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इधर की तस्वीर को दिखाएं, जिस तरीके से आज भारत बंद बुलाया गया है और सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर खासकर असर दिख रहा है भारत बंद का, और यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से, क्या कहेंगे, आज भारत बंद बुलाया गया है, आप भी हैं। सबसे पहले नमस्कार, जय भीम, जय बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद। हाँ बोला जाए, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की भारत बंद की आज? आरक्षण के लोग के जी, आरक्षण को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जो जो बिल उठी हुआ है उसको वापस करो, रद्द करो, मोदी सरकार से ही हम लोग गुजारिश करेंगे, ठीक ना? जब तक वापस नहीं हुआ तब तक धरना देते रहेंगे हम लोग का। जय भीम जय भारत। क्या कहेंगे, इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग सड़कों पर हैं? अरे ये कौन सी गर्मी है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बनाई, उनके लोगों तो आग में जल जल करके कितनी सदियां गुजर गईं। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन गरीबों के मुकद्दर का एक सितारा चमके, जिनको उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बनाई जिससे सामाजिक गैर बराबरी दूर हो सके और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बराबरी मिल सके, जिनको आपने जाति के आधार पर बनाया था, क्योंकि इसमें इस देश में छुआछूत नीच ऊँच ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये जाति के आधार पर थी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बनाई कि ये जाति के लोगों को जब आरक्षण देंगे, जब हर जाति के लोग, अगर एसडीएम विभिन्न जाति के लोग एक साथ होंगे, उनका रैंक एक होगा तो उनमें भाईचारा बनेगा, जब एमपीस बैठेंगे भारत के सदन में और उस सदन में बैठेंगे तो हर जाति के लोग जब एक साथ बैठेंगे उनमें भाईचारा होगा, उनको देख करके समाज में भाईचारा होगा, उसको ये सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके उसे वो समाप्त करना चाहती है, बाबा साहब के सपने को धूमिल करना चाहती है। इसलिए देश में जो बाबा साहब के विचारों में विचार रखने वाले लोग हैं वो पूरे देश में आज सड़कों पर उतर करके ये चेतावनी देना चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों को जो आप धूमिल करना चाहते हैं आप पीछे हट जाइए और बाबा साहब के सपनों के हिसाब से इस देश को चलने दीजिए, वरना जब हम लोग अभी तो रोड पर उतर करके आपको चेतावनी दे रहे हैं, वरना हम लोग उस हद तक जाएंगे जिसकी कल्पना आप लोगों ने कभी नहीं की होगी। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जो क्रिमिनल लेयर है उसको हटाना है, और जो वर्गीकरण है उसको भी हटाना है, समान रूप से जो, अरे उन लोगों में तो है ही नहीं है, हम लोग में आपस में ही लड़वाना चाह रहे हैं, जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है, जो मनवादी लोग के बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के चलते हम लोग सोच रहे हैं कि इस एसी एक्ट में एसी एससीटी में लोग लड़ा कर इन लोगों को विभिन्न तरह से छीण भिन कर दिया जाए। हतने का अंतिम सवाल मेरा आपसे है, क्या कहिएगा, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग आगे क्या कर सकते हैं? जब नहीं, कैसे मानी नहीं जाएगी, अभी हम सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद और जो पार्टीज़ हैं, और हम लोग आज माननीय डीएम साहब को हम लोग आवेदन देंगे, जो माननीय राष्ट्रपति को जाएगा, और देश के हर ज़िले से तमाम संगठन के लोग हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ बात पहुँचा रहे हैं, और उनके कलम की चीज़ है देश के समीप है कि मांगे को मान ली जाएगी, हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है, जिस जगह पर वो बैठी हैं और उनको भी संविधान से आस्था है, चूँकि वो भी जिस जगह पर बैठी हैं वो संविधान के ही रास्ते गई हैं और वो भी उसी परिवार से आती हैं जिस परिवार के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। देख सकते हैं हम अभी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पे मौजूद हैं और भारत बंद का असर देख सकते हैं रोहतास जिले के सासाराम में किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और मैं लगातार वो दृश्य, मैं लगातार वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए सासाराम से लव कुमार की रिपोर्ट।